हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चीज़ मसाला पाव की रेसिपी। मसाला पाव की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होगी और ट्राई भी की होगी, बट मैं आज कुछ डिफरेंट तरीके से इसका मसाला बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी है और टेस्ट में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। रेसिपी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको रेसिपी पूरी तरह से समझ में आएगी और रेसिपी आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने रखा है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने एक छोटा प्याज लिया है, उसे बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है। बारीक कटी हुई बीन्स डाल देते हैं, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार लें, आपको जो सब्जियाँ पसंद है वो ले। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल दें। तीखापन अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करें, उसी के हिसाब से आप मिर्ची या मिर्ची मसाला डालें। मैंने यहाँ पर मिर्ची ली है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर देते हैं इस सब्जियों को। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक डालने से सब्जियाँ हमारी जल्दी पक जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। कच्ची सब्जियाँ थोड़ी अच्छी लगती है खाने में। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और सब्जियों को इसके साथ भून लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि कच्चापन ना लगे। अब इसके साथ हम लोग जो भी मसाले बाकी के डालेंगे, चिली फ्लेक्स, विनेगर, यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, टोमेटो सॉस, आप चाहे तो चिली सॉस भी ले सकते हैं। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो आप चिली सॉस ज़्यादा ना डालें, तीखा रहेगा तो बच्चों को खाने में मज़ा नहीं आएगा, बच्चे खा नहीं पाएंगे। बड़ों के लिए है तो ठीक है। अब इन सभी सब्जियों को और मसालों को हम लोग अच्छे से पकने देते हैं। पानी छूट गया है तो इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं, इसका सब पानी। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच शेजवान सॉस डाला है, इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। पूरी तरह से ठंडा होने देना है। मसाला जब तक ठंडा होता है तो हम लोग पाव की तैयारी करते हैं। पाव को मैंने यहाँ पे ऐसे कट करके उसके पॉकेट्स बना लिए हैं। इसी पॉकेट्स के अंदर हम लोग मसाला स्टफ करेंगे। मसाला जैसे ही ठंडा होता है तो हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं पाव को ऐसे कट करना है। पाव को साइड में रख देते हैं। मसाला जो मैंने यहाँ पर बनाया था उसको ठंडा करके अच्छे से यहाँ पर स्टफ करना है। इस तरह से मसाला आप जितना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको मसाले की पसंद है उतनी आप ऐसे फील करें और पॉकेट बना लें। हमें मसाला इतना भी ज़्यादा नहीं भरना है जैसे कि पाव से बाहर निकले। इस तरह से मसाला फील कर दे और ऊपर से ग्रेटेड ये चीज़ डाल देते हैं। किसकी क्वांटिटी आपको जितनी पसंद है वैसे चीज़ डालें और इसे ऐसे बंद कर लेते हैं। इसी तरह सारे पाव को हम लोग स्टफ करेंगे। इस मसाले पे मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ ट्विस्ट डाला है। नॉर्मल मसाले से थोड़ा सा अलग मसाला हम लोगों ने बनाया है, तो बच्चों को और बड़ों को ज़रूर पसंद आएगा। आजकल चाइनीज़ फ्लेवर सबको पसंद आता है, तो आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप सो कि आप एक रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। इस तरह से पाव को, सभी पाव को मैंने यहाँ पर स्टफ कर लिया है। तो पाव हमारे यहाँ पर रेडी है, अब आगे की प्रोसेस करते हैं। इसे टोस्ट करना है। पाव को टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम किया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या मक्खन भी ले सकते हैं। चारों पाव को यहाँ से रख देते हैं और उसे टोस्ट कर लेते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा तेल या बटर डाल देते हैं। गैस फ्लेम को स्लो ही रखना है। स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि नीचे की जो साइड है पाव की वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से इसको दूसरी साइड से भी हम लोग सेक लेंगे। इसे पलट देते हैं। एक साइड यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, आप देख सकते हैं नीचे के साइड से पाव हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से स्टफ हो गया है, बाहर भी नहीं निकल रहा है। इस साइड से भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसे ऐसे सेक देते हैं। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार चीज़ मसाला पाव रेडी है। बस 2 मिनट में हमारे पाव यहाँ पे रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पाव हमारे रेडी हो गए हैं। पाव को हम लोग थोड़ा सा शेजवान सॉस लगा देते हैं। आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी लगा के यहाँ पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी, डिलीशियस और यमीशियस हमारे चीज़ मसाला पाव रेडी है। आप सभी को मेरा अगर ये चीज़ मसाला पाव रेसिपी का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में इसे शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई नया रेसिपी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।